दो आप लोगों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं, ये नियोनेटल जो अंडी से संबंधित है। एक कि क्या बच्चे में पीलिया होना खतरनाक है, कितना डेंजरस, इसके बारे में बात करते हैं। तो पीलिया होना, बिलीरुबिन का बढ़ना बच्चों में बहुत ही कॉमन बात है और ज़्यादातर केसेस में ये हार्मलेस होती है। इनिशियल में बच्चे का लीवर मैच्योर नहीं होता, इसलिए बिलीरुबिन बढ़ जाता है क्योंकि वो आसानी से निकाल नहीं पाता, और जैसे जैसे उसका लीवर मजबूत होता है बच्चे का, वैसे वो बिलीरुबिन निकाल पाता है। तो ज़्यादातर केसेस में बिलीरुबिन से बहुत हार्म नहीं है, लेकिन आपको ये देखना है कि बिलीरुबिन के साथ दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, एस्फेक्सिया की दिक्कत तो नहीं है। सिर्फ बिलीरुबिन बढ़ा है तो उससे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती। 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, इतना भी हो जाए तो उससे ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो होता क्या है कि ज़्यादा बढ़ने पे ये बिलीरुबिन ब्रेन के अंदर जाके वहाँ पे जमा हो जाता है, वहाँ के सेल्स को नष्ट कर देता है, तो ब्रेन डैमेज कराता है। बस ये इसमें एक खतरनाक बात होती है, वो भी बहुत कम केसेस में होता है। ये इतनी कॉमन बात नहीं है कि बिलीरुबिन बढ़ गया और ब्रेन डैमेज हो गया, ये बहुत ही कम होता है, बहुत ही अनकॉमन बात है, लेकिन हो सकती है, एक रिस्क रहता है। और एक दूसरा जो क्वेश्चन इससे ही संबंधित है कि फोटोथेरेपी जो दी जाती है उसका क्या खतरा है, उससे कितना नुकसान होता है। तो फोटोथेरेपी अमूमन जब भी कोई बेबी को बिलीरुबिन काफ़ी ज़्यादा हो जाए, 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ज़्यादा हो जाए, तो उस केसेस में रिकमेंड करा जाता है कि 2-3 दिन के लिए फोटोथेरेपी में मशीन रहती है उससे दिया जाता है, उसमें रख दिया जाए। तो आपको ये समझना है कि मशीन से जब फोटोथेरेपी दी जाती है तो वो काफ़ी सेफ प्रोसीजर है। ज़्यादातर बच्चे, मैक्सिमम बच्चे अच्छे से टॉलरेट कर जाते हैं, कोई तरह की कोई समस्या नहीं आती। बस ये है कि उसका जो आँख है उसको ढकना रहता है ताकि आँखों पे डैमेज नहीं हो, और बेबी को समय समय पे दूध पिलाना है, ज़्यादा बार बल्कि पिलाना है कि डिहाइड्रेशन नहीं हो। इसके अलावा और कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं। किसी बच्चे में रैसेस वगैरह पड़ सकते हैं स्किन में, कुछ को लूज मोशन वगैरह हो सकता है, बहरहाल बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, तो उसको आप करवा सकते हैं, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो ये काफ़ी सारे लोगों का ये जो दो क्वेश्चन है, आई थिंक इसका आंसर आपको मिल गया होगा। थैंक यू।